श्री गुरु मेरे प्रिय दोस्तों राधे राधे दोस्तों मैं सुधीर त्रिपाठी अंक जोशाचार वास्तु गुरु जी यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव ट्वेंटी फोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आज इस वीडियो में 9 18 27 तारीख को जन्मे लोग मंगल की कृपा से 2022 में क्या क्या पाएंगे क्या सब कुछ प्राप्त होगा या कुछ दिक्कत होगी मूलांक नाइन 2022 में क्या लाभ लेंगे और क्या हानि होगी मंगल ग्रह की हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे मंगल ग्रह मूलांक नाइन जन्म तिथि नौ अट्ठारह सत्ताईस के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे साथ में मूलांक नाइन के इष्ट देव कौन है और साथ में ये वर्ष चल रहा है 2022 का 2022 जो वर्ष है वो शुक्र ग्रह का वर्ष है तो शुक्र ग्रह के वर्ष में मूलांक नौ के लोग के लिए एक विशेष उपाय जिससे इनका पूरा वर्ष अच्छा व्यतीत तो ये 2022 में सब कुछ प्राप्त कर सकें तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और हाँ विशेष प्रार्थना वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया और भी लोग इससे लाभ लेते हैं अगर आप कुछ शेयर करेंगे तो निश्चित औरों को भी लाभ होगा तो शेयर भी जरूर किया करिए कमेंट्स में हम हर बार कहते हैं राधे राधे जरूर लिख दिया करिए तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं साथ में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि इनके लिए कौन से अंक अच्छे होंगे इनके लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से दिन अच्छे हैं कौन से रंग अच्छे हैं तो मूलांक नौ अर्थात जन्म तिथि नौ अट्ठारह सत्ताईस सबसे पहले इनके लिए जो अंक हैं शुभ अंक हैं वो एक तारीख है तीन तारीख है पांच तारीख है और नौ तारीख है अशुभ की बात करें तो दो चार सात और आठ ये अशुभ में आते हैं शुभ रंग की बात करें तो लाल रंग हो गया नारंगी हो गया हरा हो गया गुलाबी हो गया और पीला ये शुभ रंग में आते हैं अगर अशुभ रंग की बात करें तो आसमानी हो गया काला हो गया या गहरा नीला हो गया ये अशुभ रंग में आते हैं अगर हम शुभ दिन की बात करें तो रविवार इतवार हो गया मंगलवार हो गया बुधवार हो गया गुरुवार हो गया ये शुभ दिन में आते हैं अगर खराब तो तो है दिन की, की, अगर की बात करें तो सोमवार हो गया और शनिवार हो गया ये खराब दिन में आते हैं शुक्र का मंगल से कोई लेन देना नहीं होता हैगा तो इसलिए ना ये खराब की श्रेणी में आता हो ना अच्छे की श्रेणी में आता अगर शुभ ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह मंगल ग्रह बुद्ध ग्रह और गुरु ग्रह इनके शुभ ग्रह के अंतर्गत हैं। अगर शत्रु ग्रह की बात करें तो चंद्र ग्रह हो गया राहु हो गया केतु हो गया शनि हो गया ये अशुभ ग्रह के अंतर्गत आते हैं मंगल ग्रह जो होता है का, एक कहते हैं कि तेज ग्रह है ताकतवर ग्रह है कहते हैं ना एग्रेसिव नेचर का ग्रह है लाल ग्रह मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं के। तो मंगल ग्रह के लोग निश्चित रूप से यही प्रॉपर्टी उनके अंदर आ जाती है कहते हैं ना गुस्सा ज्यादा आना साथ में अगर गुस्सा ज्यादा आता हैगा तो कुछ फायदे भी होते गुस्सा आया कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया कुछ हो गया लेकिन फिर भी बच के निकल तो मंगल मुख्य ग्रह इनका अब नौ अट्ठारह सत्ताईस तारीख को जन्मे लोग मंगल की कृपा से क्या क्या पाएंगे अगर वो इस उपाय को करें तो 2022 उनके लिए बहुत अच्छे जाएगा इसको मैं दावे से कह सकता हूँ मंगल ग्रह के इष्टदेव कौन होंगे हम लोग मंगलवार को कहाँ जाते हैं हनुमान मंदिर तो हनुमान जी कौन हो गए मंगल ग्रह के इष्टदेव तो सबसे पहले क्या उपाय करें पहला उपाय तो ये करें कि हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करें प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाएं, चोला चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू या बूंदी का बरसात चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का तो पाठ करें ये तो रेगुलर करना ही करना है हमेशा करना है पूरी लाइफ टाइम करना है 2022 नहीं पूरे लाइफ टाइम जीवन पर्यंत, क्योंकि इस देव हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा साथ में लाल मसूर की दाल का दान करें मंगलवार को तो निश्चित रूप से जो है इसका फायदा होगा विशेष उपाय क्या करना का दो में हनुमान मंदिर में आप देखेंगे कि बाहर पर्दा लगा रहता है लाल कलर का पर्दा होता है तो वर्ष 2022 में क्या करें एक नया पर्दा खरीदें सुंदर सा पर्दा बनवाएं और उसको मंगलवार को हनुमान मंदिर में चढ़ा दें हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें पंडित जी जो है उसको बाहर लगाएंगे और मैं दावे से कह सकता हूँ ये उपाय करेंगे तो बहुत लाभ होगा आपके सारे कष्ट दूर होंगे अगर कोई कष्ट आ भी रहा होगा तो कष्ट नहीं आएगा इसको मैं दावे से कह सकता हूं मंगल ग्रह के लोग कौन सा व्यापार करें मंगल ग्रह वालों के लिए जो अच्छा व्यापार होता है वो अग्नि तत्व का ग्रह है तो अग्नि तत्व का ग्रह है तो अग्नि से रिलेटेड कोई व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा अब जैसे सोलर हो गया वो भी अग्नि हो गई सूर्य का आएगा सूर्य परम मित्र होता है तो इलेक्ट्रिक का काम हो गया वो भी अग्नि के अंतर्गत आ जाता है तो जो भी अग्नि तत्व के चीजें हैं उससे संबंधित व्यापार करेंगे तो लाभकारी होगा और कौन सा व्यापार भूल से भी ना करें मंगल ग्रह के लोग मूलांक नौ के लोग भूल से भी लोहे का व्यापार ना करें पानी से संबंधित कोई कार्य ना करें दूध का काम ना करें मिठाई का काम ना करें सीमेंट का कार्य ना करें ये कार्य भूल से भी ना करें दोस्तों आज हमने आपको मूलांक नौ के बारे में पूरी जानकारी दी मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दी हम अपने अगले वीडियो में मंगल ग्रह का रत्न मूंगा मूंगा के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे किसको पहनना है और किसको नहीं पहनना है तब तक आप हमारे संग बने रहिए राधे राधे जय हिंद